नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजीत कैली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत श्री अकाल, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो इंडिया रेलवे डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन रेलवे डेवलपमेंट, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, हु इज बेटर। ओके सो स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे दो सरकारों की रेलवे डेवलपमेंट के बारे में, 2004 से 2014 और 2014 से अभी तक। इन दोनों ही टाइम फ्रेम्स में किन दो पार्टीज की गवर्नमेंट रही है आप लोग जानते ही हो। तो आज यही कंपेयर करेंगे कि कांग्रेस के 10 साल और बीजेपी के जो अभी लगभग 7 साल हो गए हैं, इन दोनों में ही किसने ज्यादा डेवलपमेंट किया इंडियन रेलवेज में और किस सरकार ने ज्यादा बेहतर बनाया है भारतीय रेलवे को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडियन रेलवेज एक ऐसी चीज है जो भारतीय सरकारों को 1947 में अंग्रेजों से मिली थी। भारत पाकिस्तान दोनों के लिए ये बात सेम ही है, क्योंकि दोनों ही जगहों पर अंग्रेजों ने ही रेलवे सिस्टम अपने समय में शुरू कर दिया था। बात हमें करनी है 2004 के बाद से, लेकिन एक छोटा सा आइडिया आपको 2004 तक दे देता हूँ कि 2004 में भारतीय रेलवे के कैसे हालात थे, ताकि आप एक आइडिया लगा सको। तो 1853 से भारत में ब्रिटिशर्स ने पैसेंजर ट्रेन चलाना शुरू कर दिया था। 1925 में जाकर पहला रेलवे बजट भारत में रखा गया और उसी साल इलेक्ट्रिक रेलवे भी भारतीय रेलवे में सबसे पहले चलाई गई। फिर देश आजाद हुआ और कांग्रेस गवर्नमेंट आई, जहां पर रेलवे को बाद में रीजनल जोन्स में बांट दिया गया, जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, इस तरह से। फिर गवर्नमेंट ने बाकी काम करने शुरू किए, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन करना शुरू किया रूट्स का, रेलवे का एक्सपेंशन करना शुरू किया। 1984 में मेट्रो सबसे पहले कोलकाता में भारत के अंदर आई और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन भी 1988 में जाकर भारतीय रेलवे में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। लेकिन इस बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये कि रेलवेज का एक्सपेंशन कैसे किया जा रहा है। भारत काफी बड़ा देश है, जहां कश्मीर से साउथ में कन्याकुमारी तक और उसी तरह से बिल्कुल भारत के ईस्ट से वेस्ट तक रेलवे का जाल बिछाना काफी जरूरी था। और इंडियन रेलवेज का सिविल इंजीनियरिंग पोर्टल इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी देता है, जहां पर हर 10 साल में कितना डेवलपमेंट भारतीय रेलवे में रनिंग ट्रैक्स और टोटल ट्रैक्स में हुआ है, ये आपके सामने है। साल 2001 में चलते हैं डायरेक्टली, जहां आप देख सकते हो कि रनिंग ट्रैक्स लगभग 81,865 किलोमीटर और टोटल ट्रैक्स की लंबाई लगभग 108,706 किलोमीटर के करीब थी। लेकिन यहां पर आपको उसके बाद कांग्रेस के बनाए गए रेलवे ट्रैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी, क्योंकि यहां पर 10 सालों का टोटल इन्फॉर्मेशन है, यानी 2010 तक। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी साल 2009-2010 के रेलवे ईयर बुक में, जहां शायद आपको चीजें अगर क्लियर ना हो और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे, तो इसका एक निचोड़ मैंने ये निकाला है कि कांग्रेस के टाइम पे, यानी वही 2009-10-11 के आसपास, हर दिन लगभग 4.1 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई जाती थी, जो कि उसके 2-3 साल बाद ही, यानी बीजेपी गवर्नमेंट के समय, बढ़कर 6.53 किलोमीटर पर डे तक हो गई। यानी एक दिन में भले ही लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का ही डिफरेंस आपको देखने को मिले, लेकिन यही 2 किलोमीटर का डिफरेंस एक महीने में 60 किलोमीटर का हो जाएगा और एक साल में लगभग 720 किलोमीटर का, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ऐसा था क्यों? कारण एक ही है कि नए प्रोजेक्ट्स कम सैंक्शन होते थे कांग्रेस के टाइम पे। ये द ट्रू पिक्चर के आर्टिकल के मुताबिक कांग्रेस इरा, यानी कि लगभग 2004 से 14 और 2014 से 2019 में कितने रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां सिर्फ 4 सालों में ही इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जहां 5,431 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए कांग्रेस के टाइम पे, वहीं बीजेपी ने 21,295 प्रोजेक्ट्स को उसी समय सैंक्शन किया। और ये चीज सिर्फ प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करने तक ही सीमित नहीं है, इंडियन रेलवेज में गॉज कन्वर्जन भी हो रहा है, यानी जो पहले के टाइम पर पटरियां बिछाई गई थी, अब उन्हें बड़ी पटरियों में बदला जा रहा है। और ये रहा वो ग्राफ जो आपको ये बताएगा कि कांग्रेस और बीजेपी के टाइम इस गॉज कन्वर्जन के लिए कितने प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया, डिफरेंस आप देख ही सकते हो। और लगभग ऐसा ही ग्राफ आपको ट्रैक्स की डबलिंग में भी देख
देखने को मिलेगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर हैवी रेलवे ट्रैफिक हो तो उसे संभाला जा सके। और ये अगला ग्राफ आपको बता रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय और बीजेपी गवर्नमेंट के समय कितने किलोमीटर के ट्रैक्स को टोटल इलेक्ट्रीफाई किया गया ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल सके। डिफरेंस यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। वैसे इससे पहले मैंने एक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियो भी बनाई थी, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि मैंने वो वेबसाइट्स नहीं बताई हैं जहाँ से मैंने डेटा लिया है। तो इस बार आपको वो सारी वेबसाइट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिन्हें अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। इस सब के अलावा एक और मेन अचीवमेंट जो माना जा रहा है इस गवर्नमेंट का, वो है अरुणाचल प्रदेश को इंडिया के रेलवे मैप में फाइनली इंक्लूड करना। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है 2014 का, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लिखा है कि 27 साल बाद फाइनली अरुणाचल प्रदेश अब इंडिया के रेलवे मैप में इंक्लूडेड है। बोगीबील ब्रिज साल 2002 में बनना शुरू हुआ था और 2018 में खुला, जो कि काफी इम्पोर्टेंट लिंक प्रोवाइड कर रहा है आज नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स के कैपिटल को भी रेलवे से कनेक्ट किया गया है। और एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट उन जगहों पर भी प्रोजेक्ट में ज्यादा ध्यान दे रही है जहां पहले नहीं दिया जाता था, और कई सालों तक वहां कनेक्टिविटी काफी खराब रही, फिर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर नॉर्थ के अंदर कश्मीर या लद्दाख। चलिए अभी अगर बात करें फ्रेट यानी कि माल गाड़ियों की, जिनका इस्तेमाल होता है माल की ढुलाई के लिए, तो कांग्रेस के जस्ट चुनाव से पहले वाले साल की बात करें यानी 2013-14 की, तो एक साल में करीबन 1052 मेट्रिक टन माल की ढुलाई उस समय की गई थी, और 2018-19 में ये बढ़कर 1216 मेट्रिक टन तक पहुंच गया था, जो कि इस समय और बढ़ रहा है क्योंकि अब हमें फ्रेट कॉरिडोर का भी फायदा मिलने लगा है, जिनका काम ही है कि उनके ऊपर माल गाड़ियां आसानी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकती हैं। इसके साथ एक और चीज जिसका फायदा इस गवर्नमेंट की वजह से रेलवे को मिला है वो है मेक इन इंडिया। इस मेक इन इंडिया के तहत ही हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में 18 महीनों में बनकर तैयार की गई थी इसी गवर्नमेंट के अंदर। और अगर ऐसी ही किसी ट्रेन को हम बाहरी किसी देश यानी किसी यूरोप वगैरह के देश से अगर इम्पोर्ट करवाते तो जितने पैसों में ये भारत में बनी है, एक तो उसका 50% पैसा और ज्यादा हमें बाहर के देश को देना पड़ता, और दूसरा क्योंकि हम इसे इंपोर्ट करते हैं तो ये भारत में नहीं बनती जो कि आज बन रही है। इसके साथ अगर आपको पता हो तो इंडियन रेलवे 2030 से पहले दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन रेलवे बनना चाहती है, जिसके लिए LED लाइट्स, बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2004 से 2014 यानी अगर कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने अपने समय में लगभग 9587 बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स इंडियन ट्रेन के अंदर लगाए थे। वहीं 2014 के बाद से अभी तक यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम के अंडर करीबन 180,000 से भी ज्यादा बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स भारत के अलग अलग ट्रेन्स के अंदर लगाकर कंप्लीट कर दिए गए हैं। साथ ही नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट ये भी साल 2018 में एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही एक विजन था, जिस इंस्टीट्यूट में स्पेशली फोकस किया जाएगा ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एजुकेशन में, और लगभग 500 स्टूडेंट्स ने इस वक्त तक इस इंस्टीट्यूट में एनरोल भी कर लिया है। और एक और चीज जिसपे ये गवर्नमेंट दावा करती है कि हमने वो चीजें बेहतर बनाई है, लेकिन क्या वो सच में बेहतर हुई है या नहीं, ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वो है रेलवे टिकट्स, रेलवे की इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी डिजिटली आपके मोबाइल तक। साल 2014 के मुकाबले इंटरनेट के प्राइसेस तो भारत में जरूर कम हुए हैं, जिस वजह से ज्यादातर लोग इंटरनेट से फेमिलियर हुए हैं, लेकिन क्या डिजिटल इंडिया और इस तरह की इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का इंडियन रेलवे पर फर्क पड़ा है? क्या आपको आज इंडियन रेलवे की वेबसाइट में पहले के मुकाबले कुछ फर्क लगता है? क्या पहले यानी कांग्रेस के टाइम के मुकाबले क्या रेलवे की इन्फॉर्मेशन जल्दी या आसानी से आप तक पहुंचती है? ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा और ना ही किसी मीडिया आउटलेट का आर्टिकल दे पाएगा, क्योंकि आप लोग इंडियन रेलवे के यूजर्स हैं, तो आप लोग ही इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा वैसे काफी चीजें हैं जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स, ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी, रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट, जिनका कंपैरिजन भी कांग्रेस और बीजेपी के टाइम पे किया जा सकता है, जिसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो हम अगले पार्ट में कंपेयर जरूर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। क्या बात है भाई, आई एम बहुत इम्प्रेस्ड। मतलब आई एम बहुत इम्प्रेस समझ गया, वेरी क्या ना भूल गया, वेरी इम्प्रेस। खैर बहरहाल ये तो हमें आइडिया था कि बीजेपी की गवर्नमेंट में ज़्यादा काम हुआ होगा, इतना ज़्यादा हुआ कांग्रेस होगा? हाँ ये नहीं पता, वाकई बहुत ज़्यादा, बहुत फ़र्क, 1,80,000 कहाँ गिराफ। अच्छा एक और वजह मैं आपको बताऊँ,
के ह्यूज डिफरेंस। आप जब अपने मुल्क में काम करते हो तरक्की आती, रेलवे को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं, काम कब होता है पता है? काम जब होता है जब इन्वेस्टमेंट आती है, आपके आपके पास सरमाया बढ़ता है। तो जब आप तरक्याती काम करते हैं, आप मुल्क के अंदर खुशहाली लाते हैं, मुल्क के पैसा बढ़ता है, मुल्क की जीडीपी बढ़ती है, तो फिर आपके पास पैसा आता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले तो अपने आप को इतना मज़बूत किया होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब ये चीज़ की जाती है, जब आप अपने रेलवे को लेकर मुख्तलिफ जगहों तक रेलवे जा सकता है, तो आपको पता है उससे भी बिज़नेस बढ़ता है। उससे जो बिज़नेस बढ़ता है उससे मज़ीद अपने आप को आप डेवलप करते हो, आप अपने मज़ीद रोड्स बनाते हो, मज़ीद ट्रेनें। अच्छा, इन उन इलाकों में मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल बात है, और ये बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अच्छा, वहाँ तक अगर ट्रेन चली गई तो आपको पता है कि टूरिज़्म, अच्छा एक गांव देहात है, वहाँ पे एक शख्स कुछ बनाता है हाथ से, मिसाल के तौर पे कोई छोटी सी कारखाना है, हाथ से कोई काम करते हैं। अब वो शहर में चाहिए, अब वो पहाड़ हैं, रास्ते हैं, पेट्रोल लग रहा है, चीज़ें नहीं पहुँच रही, तो शहर तक आने तक वो चीज़ बहुत महंगी हो रही है, या वो बिक नहीं पा रही, या एक गरीब आदमी कमा नहीं पा रहा। तो आपको पता है रेलवे अगर देहात तक, गाँव देहात तक, पहाड़ों तक चली जाती है, तो उससे फिर आपकी वो प्रोडक्ट जो आपकी कल्चर होता है, चीज़ें होती हैं, वो शहरों तक आसानी से पहुंच जाती हैं। उस और एक एक आम शख्स होता है, यानी कि आम शख्स का मतलब एक गरीब शख्स होता है, वो कुछ बना रहा है तो उसे उसका हक मिलता है। और इसी तरह से आप उसको ले लो मालगाड़ियों को, जब अब फोकस हो रहा है, ठीक है ना, मालगाड़ियों के ट्रैक्स ही अलग बनाए जा रहे हैं। अच्छा, जब मालगाड़ी का मतलब ये कि आप एग्रीकल्चर है, चीज़ें उग रही हैं, अब उसको दूसरे शहरों तक जाना है, तो आपका अगर टाइम बचता है, आपकी गाड़ी अगर तेज़ी से जाती है, मैं कहता हूँ ये तो एक ऐसा पॉइंट है रेलवे या रोड्स कि इससे आप यूँ समझ लो कि अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, इस यानी आपके मुल्क की तरक्की ही इसमें छुपी है। अच्छा, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल प्रदेश जो है वहाँ पे, यानी कि वो रेलवे के मैप में ही नहीं मैप में नहीं था। तो मतलब आप खुद बताइए कि कितनी बड़ी बात है कि उससे भी इंक्लूड किया गया, उसके ऊपर भी फोकस किया गया, और बस कोई भी पॉइंट्स, कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं गई, और जो जो दूसरी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी फोकस किया गया। ऐसी जगहें जहाँ पे पहाड़ हैं, जहाँ पे रास्ते बन नहीं सकते, पटरियाँ बिछ नहीं सकती, वहाँ तक इस चीज़ को ले जाया गया, इस चीज़ पे फोकस किया गया, इस चीज़ पे काम किया जा रहा है। तो मैं कहूँगी बहुत बड़ी बात, बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आपको शायद व्यूअर्स को भी बताया था, या एक ऐसा दुनिया का कंट्री है जहाँ पे ट्रेन है ही नहीं, कौन सा एक कंट्री दुनिया, अफगानिस्तान, जिसकी वजह पहाड़, पहाड़ी इलाका। लेकिन जिस देश के अंदर भी पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ी इलाके होते हैं, पूरे पूरे राज्य पहाड़ी होते हैं, वो तो वहाँ पर ट्रेन मुश्किल हो जाती है। तो उन इलाकों में भी अगर वो गवर्नमेंट करती है, तो इसका मतलब ये है कि यार वो उन्हें उनका ख्याल है, उनका एहसास है। कांग्रेस थी ये, मुझे थोड़ा सा मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो है, ये तो मुझे पता है, मनमोहन सिंह भी रहे थे, तो वो क्या कहते, मैंने उनका नाम सुना था। तो ये क्या मतलब इंडिया के, मतलब इंडिया जब बना था, इंडिया तो खैर बना था जब आज़ाद हुआ था, तो ये तब से थी इनकी गवर्नमेंट? नहीं नहीं, बहुत गवर्नमेंट आई है, मोदी जी से पहले थी इनकी। अच्छा, कांग्रेस इनसे पहले थी। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर हम मिसालें देते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, या हम यूँ समझ लें आप कि इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले किसकी थी। हमने बुक्स में पढ़ा था ना कि वो जो गांधी जी थे वो कांग्रेस, तो कांग्रेस जमात थी ना, तो जमात तो चलती आती है। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि वही वाली कांग्रेस है ना। देखिए मैं बताऊँ, जो पार्टी तो वही है, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। जो जो पार्टी वहाँ से चलती हुई आ रही है, तो उस पार्टी नाम वो रहा है, लेकिन वो पार्टी आगे चल के कई लोग आए, कारकुन चेंज हो गए ना, सब कुछ चेंज होता रहा वक्त के साथ साथ। पार्टी तो वही है, जैसे हमारी ये नवाज शरीफ की पार्टी है। हाँ, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग है, तो ये वो मुस्लिम लीग तो नहीं है ना, उसमें उसमें दूसरों ने टेक ओवर कर लिया, दूसरे आते गए आते गए, चलाते रहे। हाँ, तो जिस जो उस पार्टी में मतलब ऊपर था, चेयरमैन था, तो वो पार्टी का था, फिर अगर उनकी गवर्नमेंट आई तो वो मुल्क का वज़ीर आज़म बना। तो पार्टी बेशक नाम उनको वो मिला है, लेकिन वो पार्टी आप ये जहन में मत रखें कि गांधी जी की कांग्रेस थी। क्वेश्चन नहीं समझ पाया, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसी टाइम पीरियड से, मतलब कि जब 1947 बिल्कुल 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 1947 के 15 अगस्त को जब इंडिया आज़ाद हुआ था, यानी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत गई थी, तो ये वही कांग्रेस है जिसके अंदर गांधी जी थे। देखिए कांग्रेस एक पार्टी थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद देश आज़ाद हो गया, तो वो पार्टी उस वक्त जो थी वो उस वक्त थी,
लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस है, अब ज़रूरी नहीं कि ये वही कांग्रेस हो। हमारे यहाँ मुस्लिम लीग वो नहीं है, हमारे यहाँ मुस्लिम लीग से नाम वही मिला क्योंकि उस पर बाद में वो पार्टी तो रही ना, पार्टी तो रही लेकिन उसमें लोग चेंज होते गए। तो जो लोग उस पार्टी में मौजूद थे, उनकी आने वाली नस्लों ने उस पार्टी को हाईजेक किया या उस पार्टी में रहे, तो उन्हें वो पार्टी का नाम मिल गया। अब मिसाल के तौर पे हम MKM को ले लेते हैं, अल्ताफ भाई। हाँ, मैं मिसाल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 1947 से अब तक, मतलब जब तक कांग्रेस थी तब तक का वो है ना, नहीं ड्यूरेशन को कॉम्पेयर किया गया है ना? नहीं, 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 कब का ड्यूरेशन? ये तो मोदी, हाँ मोदी जी से पहले वाली जो गवर्नमेंट 10 साल तक इनकी रही है कांग्रेस की, हाँ। तो वो 10 साल, अच्छा, मोदी, वो 10 साल, हाँ। और इनके ये 7 साल बस इसको, यानी वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर नहीं? बिल्कुल नहीं, 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 वहाँ से, अच्छा, अच्छा, और उससे पहले कई पार्टियाँ आई होंगी। कांग्रेस बस वो नाम की कांग्रेस है, नाम की कांग्रेस है, और वही पार्टी नाम वही है कांग्रेस, जैसे यहाँ पे नवाज शरीफ जी के, हाँ। लेकिन अब वो कायदेआज़म वाली मुस्लिम लीग तो नहीं रही ना, वो कायदेआज़म वाली मुस्लिम लीग पार्टीशन वगैरह भी हो गया, बिल्कुल, हाँ ना, क्योंकि वक्त के साथ साथ तो बहुत सी चीज़ें चेंज होती गई और पार्टी का नाम हो रहा, अच्छा, पार्टी जो, अब मुझे समझ में आया कि इससे पहले भी मोदी जी से पहले जो 10 साल हुकूमत, 10 साल कांग्रेस की, सिंपल वर्ड उनको कॉम्पेयर किया गया है अभी की हुकूमत से? बिल्कुल, तो बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जमीन, अच्छा, ड्यूरेशन भी देखें, 7 साल ये, हाँ, और 7 साल, और इनके 7 साल में कितना बड़ा डिफरेंस है, हाँ, इनके 3 साल अगर जबरदस्त मजीद मिलाए जाए तो पता नहीं कहाँ हो। तो दोस्तों, जो हमें अंदाज़ा था, जो हम वीडियोस, पुरानी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, जिससे हमें आइडिया था कि फ़र्क होगा, तो वो फ़र्क हमें दिखा भी। तो उम्मीद करते हैं दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।